हेलो बच्चों, आज जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर ट्रिकोनोमेट्री के अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे या समझेंगे। इसके लिए हम लोग चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, यदि ए और बी सूक्ष्म कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी है तो ज्ञात करें कि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज मान लेंगे। तो लेट त्रिभुज एबीसी एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। तो तुम लोग दाईं ओर वो चित्र देख सकते हैं और हम लोग को गिवन दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब इस कॉस ए का फॉर्मूला लेने के लिए बाईं ओर तुम लोग चित्र में देख चार्ट में देख सकते हो, दो नंबर फॉर्मूला है कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो ए बी हो गया आधार, ए सी हो गया कर्ण। तो दाईं ओर के चित्र में आधार हम लोग का ए सी है और कर्ण है ए बी। तो कॉस ए का फॉर्मूला होगा ए सी बाई ए बी। इसी प्रकार कॉस बी के फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो कॉस बी के लिए तुम लोग दाईं ओर चित्र देख सकते हो, तो इसमें हम लोग का इस बार आधार हो गया बी सी और कर्ण है ए बी। तो फॉर्मूला बना बी सी बाई ए बी। अब इन दोनों के नीचे देख सकते हो ए बी मिल रहा है तो कट गया, तो हम लोगों को मिला ए सी बराबर बी सी। अब दाईं ओर के चित्र में देखो ये ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए सी और बी सी दो भुजा है। तो हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होने से उसका विपरीत कोण बराबर होता है। तो ए सी का विपरीत है बी कोण और बी सी का विपरीत है ए कोण। इस प्रकार हमें मिलता है कोण ए बराबर कोण बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर प्रमाण होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री है तथा पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉमा कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे। तो दाईं ओर देख सकते हो त्रिभुज, तो इसमें गिवन है क्यू 90 डिग्री और पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू 5 है। इसको एक मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं। अब हम लोग एक नंबर के दोनों तरफ वर्क करेंगे, जैसे पी आर प्लस क्यू आर उसका वर्ग बराबर 25 का वर्ग। तो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो मिलता है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी आर इंटू क्यू आर बराबर 25 का वर्ग करेंगे 625। ये हो गया दो नंबर। अब पाइथागोरस सूत्र प्रयोग करेंगे दाईं ओर के चित्र में। तो पाइथागोरस सूत्र तुम लोग बाईं ओर का चार्ट में देख सकते हो, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण हम लोगों का दाईं ओर का चित्र में है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो इसमें पी क्यू का वैल्यू रखेंगे हम लोग तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसे समाधान करते हैं तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ये हो गया तीन नंबर। अब एक नंबर से हम लोग देख सकते हैं ये पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर मिलता है। अब हम लोग क्यू आर को एक्स मान लेते हैं तो हम लोगों का इक्वेशन बनता है पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। इसे मान लेते हैं चार नंबर। अब इस पी आर का मान को हम लोग तीन नंबर में रखते हैं। तो तीन नंबर देख सकते हो बाईं ओर, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें 25 माइनस एक्स में ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखते हैं तो 25 का वर्ग 625 माइनस 2 इंटू ए मतलब 25, बी मतलब एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसे समाधान करते हैं तो मिलता है माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस 625 को उधर ले गए। इस प्रकार हमें मिलेगा माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600। अब दोनों तरफ माइनस 50 से भाग कर देंगे तो एक्स बराबर मिलेगा हम लोगों को 12। चूँकि x ऊपर देख सकते हो क्यू आर है इसलिए क्यू आर का वैल्यू हुआ 12। अब इस
मान को चार नंबर में रखते हैं तो पी आर बराबर मिलता है 25 माइनस 12, तो 25 में से 12 गए 13। अब हम लोग साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकाल सकते हैं। तो साइन पी के लिए हम लोग चित्र दाई ओर चित्र हैं और बाई ओर फॉर्मूला चार्ट है, तो उस चार्ट में एक नंबर देख सकते हो साइन ए है बी सी बाई ए सी, बी सी मतलब लंब और ए सी कर्ण। तो दाई ओर के चित्र में लंब है क्यू आर और कर्ण है पी आर, तो हमारा फॉर्मूला बना क्यू आर बाई पी आर। अब दाई ओर का चार्ट में वैल्यू दिया हुआ है पी आर क्यू आर पी क्यू का, तो वहाँ से हम लोग क्यू आर पी आर का मान बैठा दिए तो 12/13 मिला। इसी प्रकार कॉस पी निकालते हैं, तो उसके लिए तुम लोग ऊपर चार्ट फॉर्मूला चार्ट देख सकते हो, तो दो नंबर में दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी, तो ए बी आधार है और ए सी कर्ण है, तो दाई ओर के चित्र में आधार है पी क्यू और कर्ण है पी आर, तो हम लोग को फॉर्मूला मिला पी क्यू बाई पी आर। अब दाई ओर के चार्ट से पी क्यू और पी आर का मान बैठाते हैं तो 5/13 मिलता है। इसी प्रकार टेन पी निकालते हैं, तो टेन पी के लिए ऊपर फॉर्मूला चार्ट से ले लेते हैं, तो उसका तीन नंबर देख सकते हो टेन इक्वल टू दिया है बी सी बाई ए बी, बी सी है लंब और ए बी है आधार, तो दाई ओर के चित्र में लंब है क्यू आर आधार है पी क्यू, तो फॉर्मूला बना क्यू आर बट्टे पी क्यू। अब इसे दाई ओर के चार्ट से मान बैठा देते हैं तो क्यू आर हो गया 12, पी क्यू हो गया 5। इस प्रकार क्लास क्वेश्चन 10 का आंसर बन गया और चैप्टर 8.1 कंप्लीट हुआ। तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना और होमवर्क मुझे भेजना। बाय।